हमारा अगला वीडियो है फोकर प्लांक इक्वेशन। ये फोकर और प्लांक ने फ्लक्चुएटिंग फोर्स के कारण जो किसी भी पार्टिकल के मोशन में चेंजेज होता है उस चेंजेस को एक इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जिसे फोकर प्लांक इक्वेशन कहते हैं। नॉर्मली फ्लक्चुएटिंग फोर्स ब्राउनियन मोशन में लगता है जो कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ब्राउनियन मोशन होता है दोस्तों कि लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर या डिफरेंट टाइप के प्रेशर के कारण जो लिक्विड के पार्टिकल है वो एट रैंडम मोशन करते हैं, उसमें एक फ्लक्चुएटिंग फोर्स लगता है जिसके कारण वो एट रैंडम मोशन करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की मोशन और उसके डिफरेंट टाइम पे जो पार्टिकल के मोशन है उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है, इसी को फोकर प्लांक ने डिस्क्राइब किया। दोस्तों ये एक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया। एक्चुअल में फोकर प्लांक इक्वेशन एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेज हो सकता है, इवोल्यूशन हो सकता है, उसको फोकर प्लांक ने डिस्क्राइब किया जो कि नॉर्मली ब्राउनियन मोशन में होता है। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच। ये काफी एक डिफिकल्ट टॉपिक है, हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना। ये हायर इंजीनियरिंग फिजिक्स का टॉपिक है, इसको समझने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होने चाहिए। इसको हम यहां पे शॉर्टकट में एक्सप्लेन करेंगे एज ए नोट्स के फॉर्म में। दोस्तों हम जानते हैं कि ब्राउनियन मोशन में जो फोर्स लगता है वो डिफरेंट साइड से डिफरेंट डायरेक्शन से अलग अलग फोर्स लगता है, जिसके कारण सभी फोर्स, चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो सभी फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होते और किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट फोर्स लगता है जिसके कारण जो पार्टिकल है मूव करता है। क्योंकि वो जो रिजल्टेंट फोर्स है डिफरेंट डायरेक्शन पे हो सकता है डिफरेंट टाइम पे, इसलिए पार्टिकल जिग जैग मोशन करता है, एट रैंडम मोशन करता है। हमने मान लिया कि कोई पार्टिकल है जो कि वेलोसिटी वी से टाइम टी पे मूव करता है, तब उसकी जो प्रोबेबिलिटी है किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं पी वी टी से। यहां जो प्रोबेबिलिटी है वो वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है। अगर टाइम पीरियड कम है तो पार्टिकल के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, अगर उसकी वेलोसिटी ज्यादा है तब भी उसकी प्रोबेबिलिटी अलग होगी। तो पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है और इसीलिए इसको पी वी टी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो दोस्तों हम कंसीडर करते हैं एक वेलोसिटी रेंज, मान लेते हैं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी वी से वी प्लस डीवी, डीवी एक स्मॉल चेंज है, दोनों के बीच में उसकी वेलोसिटी है, तब उसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को दोस्तों हम इस तरह से लिख सकते हैं पी डीवी इक्वल टू पी वी टी अपॉन वी जीरो टी जीरो। वी जीरो टी जीरो या वी नॉट टी नॉट भी पढ़ते हैं, इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल टाइम है, और वी टी एक पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर वेलोसिटी है। तो इसके हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दोस्तों मान लिए कि इसमें एक फ्लक्चुएटिंग फोर्स लग रहा है किसी टाइम इंटरवल पे, तो हम मान लेते हैं कि इनिशियल टाइम टी जीरो है और किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी हमें वेलोसिटी कंसीडर करनी है, तो जो टाइम का डिफरेंस है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टी जीरो इनिशियल टाइम है और टी वो टाइम है जिस टाइम पे हम पार्टिकल की वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं, तो एस इक्वल टू हो जाएगा टी माइनस टी जीरो। तब प्रोबेबिलिटी जो होगी उसका कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये दोस्तों यहां पे बाई मिस्टेक है, यहां भी कामा एस अपॉन भी नॉट है जो कि यहां से पूरी लाइन हो गई है, इसलिए इसको आप ऐसा ना रीड करें, ये भी कामा एस अपॉन भी जीरो है। एक्चुअल में अभी अभी हमने पढ़ा कि जो प्रोबेबिलिटी है वो पी भी टी से एक्सप्लेन किया जाता है यहां से। तो टी इक्वल टू होता है टाइम इक्वल टू होता है वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसके फॉर्मूले से यहां पे हम टाइम को जो एक्सप्लेन करेंगे, चूंकि एस जो है टी माइनस टी जीरो का टाइम है, तो ये भी कामा एस अपॉन भी नॉट से एक्सप्लेन किया जाएगा। एस जो है टाइम डिफरेंस है। तो ये हो गया दोस्तों उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन। दोस्तों यदि इनिशियल
वेलोसिटी और किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी इक्वल हो, तो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है वी और वी प्लस डीवी के रेंज में, वी प्लस डीवी के रेंज में टाइम एस पे, तो वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों। अब इस केस में यदि एस इक्वल टू जीरो ले लिया जाए, एस इक्वल टू जीरो, चूंकि एस इक्वल टू हो जाएगा आपका, अभी ये देखा टी माइनस टी जीरो, इसका मतलब कि टी और टी जीरो मतलब इनिशियल टाइम और कोई पर्टिकुलर टाइम सेम होगा, इस कंडीशन पे जो उसकी वेलोसिटी है वो भी सेम होगी, तब उसका जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कुछ इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों यहां पर भी बाई मिस्टेक हो गया, पी वी कामा एस अपॉन वी जीरो है, डेल भी माइनस बी जीरो, डेल जो है डिराक डेल्टा फंक्शन कहलाता है, जो कि डिफरेंस हो डिफरेंस को कैलकुलेट करता है। ये वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी और भी कोई पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि s इक्वल टू इनफाइनाइट है, टेंस टू इनफाइनाइट मतलब टाइम इनफाइनाइट है, तब पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन को अराइव कर जाएगा, क्योंकि यदि टाइम बहुत ज्यादा है तो किसी भी लिक्विड में जब पार्टिकल मूव करता है तो यदि हम काफी टाइम उसको देखेंगे तो एक लॉन्ग टाइम के बाद जो पार्टिकल की कंडीशन है या लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आ जाएगा। अगर हम कैसे ऐसे पानी को हिलाते हैं मूव करते हैं तो वो राउंड करता है मूव करता जाता है, लेकिन अगर उसको कुछ देर तक हम रोक दें तो पानी स्टेबल कंडीशन पे आ जाता है। तो यदि s इक्वल टू इनफाइनाइट कर देंगे तो लिक्विड के पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पे, लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंट हो जाएगा, टेम्परेचर की वैल्यू चेंज होती जाएगी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं आएगा। दोस्तों वीडियो काफी लंबी ना हो, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी लॉन्ग टॉपिक होने के कारण इसको हम शॉर्टकट में एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमें पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कंप्लीट करना है, क्योंकि एक हायर क्लासेस का एक ये नोट्स है जो कि हम स्टूडेंट्स के डिमांड के बेस पे, उनके एग्जामिनेशन पॉइंट के बेस पे हम बनाते हैं। तो दोस्तों हम मान लिए कि आप कोई कंसीडर करते हैं पर्टिकुलर टाइम टी वन, अभी हम टी पे देखेंगे, आप किसी टाइम टी वन पे यदि हम किसी पार्टिकल की कंडीशन वेलोसिटी कैलकुलेट करें जहां पे टी वन टी जीरो और टी के बीच में है, मतलब टी जीरो इनिशियल टाइम, टी जीरो और किसी पर्टिकुलर टाइम टी के बीच का टाइम ले रहे हैं टी वन, इस कंडीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी को स्टडी करेंगे जिसका जहां पर उसकी वेलोसिटी वी वन है, तब इस वेलोसिटी वी वन और टाइम टी वन पर पार्टिकल के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी दोस्तों इस तरह से हो जाएगी, पहले वी टी था आप यहाँ वी वन टी वन हो गया है, तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी है अगर वेलोसिटी के रेंज को यहां से टी जीरो से टी लिया गया है, अगर वेलोसिटी के रेंज को माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ले लिया जाए तो जो टोटल प्रोबेबिलिटी होगी दोस्तों, चूंकि ये एक इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट फिनोमिना होगी और दो इंडिपेंडेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट के इक्वल होता है, तो यहाँ पे वी टी अपान वी जीरो टी जीरो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो वी टी अपान वी वन टी वन और वी वन टी वन अपान वी नॉट टी नॉट के इक्वल होगा। वीडियो काफी लंबी ना, इसलिए इसको हम शॉर्टकट में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम s इक्वल टू ले लिए टी वन माइनस टी जीरो और एक नया टाइम इंटरवल ले लिए टाउ जो कि टी वन माइनस टी माइनस टी वन के इक्वल है, अगर इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो गया टी माइनस टी जीरो, तब इक्वेशन फोर दोस्तों कुछ इस तरह से आपका हो जाता है। दोस्तों यहां भी ध्यान रखना है बाई मिस्टेक ये पूरी लाइन हो गई है, ये है वी कामा एस प्लस टाउ अपॉन वी नॉट होना चाहिए, सिर्फ यहां तक लाइन है। तो दोस्तों ये हो गया इक्वेशन फाइव। अब दोस्तों ये जो है एक इंटीग्रल इक्वेशन होता है जो कि प्रोबेबिलिटी पी के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब हम इक्वेशन फाइव को अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो टाइम इंटरवल टाउ लिए है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि जो वेलोसिटी में डिफरेंस है वी वन इक्वल टू वी माइनस एप्सिलॉन, एप्सिलॉन वो वेलोसिटी में डिफरेंस है यहां पे, तब दोस्तों इसकी प्रोबेबिलिटी की कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। यहां लास्ट में डी एप्सिलॉन लिखना चाहिए पर स्पेस ना होने के कारण हमने यहां लिख दिया है, ये पी वी माइनस एप्सिलॉन एस अपॉन वी नॉट और डी एप्सिलॉन होगा टोटल का इंटीग्रेशन का। तो दोस्तों यहां पे जो एडिशनल टर्म्स है डेल पी अपॉन डेल एस टाउ, टाउ एक टाइम है, ये जो है प्रोबेबिलिटी की कंडीशन को एक्सप्लेन करता है। अब दोस्तों जो इक्वेशन सिक्स है इसको हम टेलर इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे जिसका पावर होगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी एक टाइम इंटरवल है। तो दोस्तों यहां से ये हो रहा है पी वी माइनस एप्सिलॉन, ये इक्वेशन आप देख सकते हैं टेलर इक्वेशन के थ्रू आएगा। दोस्तों यहां वी माइनस एप्सिलॉन है लेकिन यहां वी प्लस एप्सिलॉन लिया गया है, उसका रीजन ये है दोस्तों क्योंकि हम जो टाइम है टी वन पे स्टडी कर रहे हैं और अभी अभी हम देख सकते हैं हमने यहां से कैलकुलेट किया है, अगर यहां से वी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो एप्सिलॉन इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा वी वन प्लस एप्सिलॉन, प्लस सिंपल
सिंपलिसिटी के लिए हम यहां पे v1 प्लस एप्सिलॉन लिखना चाहिए, पर हम v प्लस एप्सिलॉन ही लिख सकते हैं एक नॉर्मल फिनोमिना के, क्योंकि v एक नॉर्मल फार्मूला है। अब इसको हम लोवेस्ट फॉर्म तक एक्सप्लेन करेंगे। तो इक्वेशन 6 जब टेलर इक्वेशन से देखेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये टेलर इक्वेशन में अपन देख सकते हैं। अब ये यहां पे स्पेस ना होने का नीचे भी लिख दिए हैं। अब दोस्तों इसमें अगर हम n इक्वल टू 0 ले लेते हैं तब इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, जिसको एक हम न्यू कांस्टेंट mn से एक्सप्लेन करते हैं, जो कि ये हो जाएगा फार्मूला। दोस्तों यहां पे देख सकते हैं, अब जहां पे ये डेल बी टाऊ ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो है ये मीन स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। इसकी वैल्यू होती है v टाऊ माइनस v जीरो। टाऊ कोई पर्टिकुलर टाइम है और जीरो इनिशियल टाइम है। इस टाइम के बीच में ये मीन एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट की गई है। तो यहां पे हम वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम डायरेक्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको समझने के लिए स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम हायर फिजिक्स के लिए नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए हम शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों जो यहाँ पे n लिखा हुआ है वो nth मोमेंटम ऑफ वेलोसिटी कहलाता है, जहां पे tau इंक्रीमेंट में क्लियर किया गया है। तब जो इक्वेशन 7 है वो हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह से, डेल पी अपॉन डेल एस बी एस अपॉन वी नॉट, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 7। यहाँ पे जो हमने अभी अभी देखा एम एन की वैल्यू क्या होती है, जो कि हमने कंसिडर किया, वो यहाँ पे लिख दिया गया है। अब यदि टाइम इंटरवल बहुत कम लिया जाए, टाउ टेंस टू जीरो लिया जाए, जैसा कि हमने देखा टाउ इक्वल टू होता है टी माइनस टी जी टी वन, तब दोस्तों इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। आगे चूंकि इसमें कंडीशन यदि हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया कि हम इसको लोवेस्ट पावर तक लेंगे, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन है वो भी माइनस एप्सिलॉन रेंज में है, लेकिन हम इसको भी प्लस टाउ के रेंज में देख रहे हैं, भी प्लस एप्सिलॉन के रेंज में देख रहे हैं। मतलब कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी ले रहे हैं उसके उससे कोई एप्सिलॉन स्मॉल वेलोसिटी है उससे कम वेलोसिटी में देखेंगे और उससे ज्यादा वेलोसिटी में देखेंगे। चूंकि इसमें फ्लक्चुएशन फोर्स के कारण पार्टिकल जिगजैग मोशन करता है, तो हम कोई पर्टिकुलर पार्टिकल की वेलोसिटी देखेंगे, फिर ये देखेंगे कि उसके पहले वेलोसिटी जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी की क्या कंडीशन है, उस वेलोसिटी के बाद वाले जो पार्टिकल है उनकी वेलोसिटी की क्या कंडीशन है। सपोज करिए वेलोसिटी 6 ले रहे हैं तो हम 5 और 7 वेलोसिटी वाले पार्टिकल के लिए स्टडी करेंगे। तो इस तरह से हम इसको लोवेस्ट तक देखेंगे। तो चूंकि n की वैल्यू अगर हम 2 से ज्यादा लेते हैं तो वैल्यू हाई हो जाएगी, इसलिए इसको हम n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2 तक ही एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ n इक्वल टू 1 पुट करेंगे और एक बार n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। 1 पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है, 2 पुट कर रहे हैं तो ये आ रहा है। अब इसको दोस्तों यदि हम सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह से ये होता है डेल पी अपॉन डेल एस की वैल्यू। इसको दोस्तों फोकर प्लांक इक्वेशन कहते हैं। फोकर प्लांक इक्वेशन डिफरेंट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ये एक स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है। इसको सॉल्व करने के कई कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन हम स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स के थ्रू यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे m1 और m2 ये जो है मोमेंट है, मोमेंट के कोफिशियंट है, जिसको हम स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए इवेल्युएट कर सकते हैं। दोस्तों m1 और m2 की वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए हम जो ब्राउनियन मोशन से इसको इवेल्युएट करेंगे, और इसके लिए कोरिलेशन फंक्शन हम डिराइव करते हैं, जो कि ये कोरिलेशन फंक्शन को यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं mn इक्वल टू 1 अपॉन tau, ये एवरेज वैल्यू कहलाती मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहलाई गई है, माइनस गामा भी। यहाँ पे दोस्तों गामा क्या है हम बताएंगे, इसी तरह से 2 लेंगे तो m2 इक्वल टू 1 अपॉन tau, ये दोस्तों tau है 2 नहीं है, tau टाइम इंटरवल है जो कि t माइनस t1 लिया गया है। अब चूंकि सेकंड मोमेंट है, हम स्टेटिस्टिक्स के फार्मूले से देखते हैं कि सेकंड मोमेंट जब देखते हैं तो उसमें इसका फार्मूला कुछ इस तरह से स्क्वायर में आता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2kT गामा अपॉन m हो जाएगा। k जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t टेम्परेचर है, और गामा की वैल्यू है 6πηα अपॉन m। यहाँ अल्फा जो है दोस्तों ये पार्टिकल की रेडियस है, कौन से पार्टिकल, जो पार्टिकल लिक्विड में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और लिक्विड की विस्कोसिटी है ईटा, के जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो उस कंडीशन पे यहाँ पे m1 के और m2 की वैल्यू कुछ इस तरह से आती है। m1 और m2 की वैल्यू को इक्वेशन 9 में पुट कर देंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये फोकर प्लांक इक्वेशन का फाइनल फॉर्म होता है, और जो कि
टाइम डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों ये हो गया फोकर प्लांक इक्वेशन जो कि ब्राउनियन मोशन के लिए होता है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।